وصلك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़े और उसमें हम लोग एक ऐसी मुसन्निफा के बारे में पढ़ें, उनके किरदार के बारे में पढ़ें जो जिनको नज़र नहीं आती लेकिन वो चीज़ों को ऐसे महसूस करती हैं जैसे एक आम देखने वाला है उससे बढ़कर। तो ये इस चैप्टर की खासियत है जो हम लोग पढ़ें। तो आज का लेसन जो है आगे स्टार्ट। How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note? I, who cannot see, can find hundreds of things to interest me through mere touch. वो कहती हैं, इनका नाम है हेलन केलर, हेलन केलर इनका नाम है। वो कहती हैं, How was it possible? ये कैसे मुमकिन था? How was it possible? ये कैसे मुमकिन था? I asked myself, मैंने खुद ही से पूछा कि ये कैसे मुमकिन था कि To walk for an hour, एक घंटे तक सैर की जाए, एक घंटे तक चला जाए, to walk for an hour in the woods, जंगल में, जंगल की एक घंटे तक सैर की जाए, and see nothing, और कुछ भी नहीं देखा जाए, worthy of note, अहम। वो कहती हैं ये कैसे मुमकिन था कि एक घंटे तक जंगल की सैर की जाए और कोई भी काबिले जिक्र चीज, वर्दी ऑफ नोट, काबिले जिक्र चीज ना देखी जाए। आई, वो फिर इसका आगे एक्सप्लेन करती हैं कि आई हु कैन नॉट सी, मैं तो देख ही नहीं सकती हूं। आई, मैं, हु कैन नॉट सी, जिनके पास देखने वाली आंखें ही नहीं है, जो मैं देख ही नहीं सकती, कैन फाइंड, पा सकती हूं क्या, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीजें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीजें मैं पा सकती हूं, महसूस करती हूं, मीन, मैं, थ्रू, जरिए, मियर, महज, टच, छूने के एहसास से, मैं सिर्फ छूने के एहसास के जरिए सैकड़ों चीजें महसूस कर सकती हूँ, पा सकती हूँ। अब इसका वाक मुहावरा तर्जमा देखिए, मैंने खुद से पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक घंटा तक जंगल की सैर की जाए और कोई काबिले जिक्र चीज न देखी जा सके, मैं जो देख ही नहीं सकती, अपने छूने के एहसास से ही दिलचस्पी की सैकड़ों चीजों को पा सकती हूँ, सैकड़ों चीजों को पा सकती हूँ। आगे देखिए, I feel the delicate symmetry of a leaf, I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. फिर वो कहती हैं, आई फील, मैं महसूस करती हूँ किसको, द डेलिकेट, नाजुक सिमेट्री को, पर्त को, ऑफ अ लीफ, एक पत्ते की, मैं एक पत्ते की नाजुक पर्त को महसूस कर सकती हूँ। ये देखें, जैसे ये सपोज ये पत्ता है, ये मेरे हाथ पे जो है आपको लकीरें नजर आ रही हैं ना, तो वो कहती जब मैं इस पर अपना हाथ फेरती हूँ ना, तो ये जो लकीरें जो है वो पत्ते पर जो पर्त होती है, ऊपर नीचे जो चीज होती है, उसको भी मैं महसूस जो है वो कर सकती हूँ। यानी कि वो आंख से देख नहीं सकती लेकिन महसूस करने की उसकी ताकत और कुव्वत अल्लाह ने उसको ऐसी अता फरमाई है। आई फील द डेलिकेट स्मिटी ऑफ अ लीफ, मैं एक पत्ते की नाजुक पर्त को महसूस कर सकती हूँ। आई
मैं पास देती हूँ, माई हैंड्स अपने हाथों को, मैं अपने हाथों को फेरती हूँ लविंगली प्यार से, अमौता स्मूथ स्किन मुलायम जिल्द पर, मैं अपने हाथों को मुलायम जिल्द पर प्यार से फेरती हूँ, ऑफ अ सिल्वर विच सफेद नरम दरख्त की, मैं सफेद नरम दरख्त की मुलायम जिल्द पर अपने हाथों को प्यार से फेरती हूँ, और या जब और या रफ्श की बात, या रफ्श की बात पर खुदरी जिल्द पर, ऑफ अ पाइन सनोबर के दरख्त की, मैं सनोबर के दरख्त की खुदरी छाल पर अपने हाथों को प्यार से फेरती हूँ तो मैं महसूस कर सकती हूँ। अब इसका बाद मुहावरा सदमा देखिए, मैं एक पत्ते की नाजुक पर तो महसूस कर सकती हूँ, कैसे, मैं सफेद रंग के, मैं सफेद नरम दरख्त की मुलायम जिल्द या सनोबर के दरख्त की खुदरी छाल को अपने हाथों को प्यार से फेर कर महसूस कर सकती हूँ कि इसकी जिल्द मुलायम है या इसकी जिल्द खुरदरी है, ये मैं जब अपना हाथ प्यार से फेरती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। तो ये था आज का आपका लेसन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।